एक डॉक्टर विनर बनी है, कितना प्राउड फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले शेयर करें आप? फर्स्टली मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस वापस एक बार कहना चाहूँगी. बहुत मेहनत करती है एंड दैट्स व्हाई शी इज हियर ऑफ कोर्स. सो डॉक्टर है ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि मुझे कई बार पूछा जाता है कि अरे आप डॉक्टर है इसलिए ऐसा हुआ क्या? मैंने बोला नहीं, ये डॉक्टर्स या मेडिकोज का पैटर्न नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीबडी. और जहाँ तक जजिंग का सवाल है तो जजेस में एक भी डॉक्टर नहीं थी, तो द वे शी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इज व्हाट गॉट हर द क्राउन. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस क्राउन के लिए. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है क्राउन पहनने के बाद? बताइए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको इस क्राउन को पाने के. जी जरूर. हेलो एवरीवन, बाय द वे आई डोंट थिंक आई हैव सेड दैट बिफोर, बट क्राउन पहनने की जो फीलिंग होती है, आई थिंक वो शब्दों में डिस्क्राइब करना हमेशा मुश्किल होती है. एंड आई थिंक 6 महीने के बाद भी मैं अभी भी वो एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढ जो जस्टिस करेंगे हाउ आई फेल्ट. बट इफ आई हैव टू डिस्क्राइब, आई वुड से कि एक एम्पावरमेंट फील होती है, कॉन्फिडेंट फील होते हो आप लोग, यू गेट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड मोर ओवर यू डू नॉट वरी अबाउट कि लोग क्या कहेंगे. यू फॉलो योर पाथ, यू फॉलो योर हार्ट, यू पुट इन द हार्ड वर्क एंड यू शाइन ब्राइट. So that's how it's been so far. So kitna difficult tha sab kuch manage karna kyunki misses ko bahut sari cheeze manage karni padti hai, agar us bare mein bataye ki kaise manage kar sakte hain. थैंक यू. डिफिकल्ट तो होता ही है, बिकॉज आई थिंक आप सब लोग देखते होंगे मैरिड वुमन जो काम भी करती है, बच्चे भी रेस करती है और भी बहुत सारी चीज़ें करती है. सो आई वुड नॉट से कि डिफिकल्ट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी करने की इच्छा है, अगर आप पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, सो आप बैलेंस कर लेते हो. सो प्रिपरेशन करना हार्ड था, बट मैंने जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था घर के काम के बाद या फिर क्लिनिक के बाद, आई यूज टू डेडिकेट इट टू माई मार्वलस प्रिपरेशन. जो क्लिनिक में लंच ब्रेक्स होते थे, मैं वो यूज करती थी प्रिपरेशन करने के लिए. वॉक करने के टाइम घर पे काम करते वक्त मैं हील्स में वॉक करती थी, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में और काम भी हो जाए. सो एंड आफ्टर आई हैव अ 4-3 year old सन, तो वो सोने के बाद मैं बाकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती थी वो सब करती थी. So it's hard, but I would say it is doable. If you put your heart and mind to it, you can achieve anything. And I believe that now. So Aditi ma'am khud winner reh chuki hai, kitna inspire hoti hai unse aur kya kya tips mili thi unse especially? सारी टिप्स मिली थी आई गेस, क्योंकि ये मेरा पहला ही पैजेंट था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैजेंट्री करूँगी, बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर से ज़्यादा और भी चीज़ें करनी है और मैं कर सकती हूँ. सो आई थिंक इट वॉज द राइट टाइमिंग फॉर मी कि डॉक्टर अदिति ने उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिस टाइम पे मेरी मेडिकल एजुकेशन खत्म हो गई थी. आई वॉज लुकिंग टू डू समथिंग मोर देन मेडिसिन. तो उनसे प्रेरणा वो सिर्फ पार्टिसिपेशन की नहीं मिली, बट आगे कैसे बैलेंस करने हैं अपने मल्टीपल करियर को एंड स्टिल स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ, स्टिल बीइंग ऑथेंटिक, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम हर. अदिति जी, यू आर द फाउंडर, आपने पूरा शुरू किया है, डिफिकल्टीज आई होंगी आई एम श्योर, बट एक तरीके से एक सपोर्ट देना अपने जो कंटेस्टेंट को, फेयर स्पेंड है, यू नो हाउ टू पीपल वाज दैट कॉन्फिडेंस. आई थिंक कई बार जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पैजेंट करना है, उस जर्नी में जब शुरुआत की टिल जब हुआ, कई बार मेरे मन में यही आया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्टीज थी, ऑब्स्टिकल्स थे, क्योंकि वन मैन आर्मी जैसे कहते हैं. तो ऐसे नहीं था कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी या स्पॉन्सर्स थे, तो खुद ही सब करना पड़ा. बट इट वॉज अ लर्निंग लेसन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो आपको आपके पड़ाव आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसी से आप सीख सकते हो. सो हियर आई एम ऑल सेट टू लॉन्च मार्वेलस मिसेस इंडिया सीजन 2 एंड आई डू होप दैट आई हैव सपोर्ट, लाइक आई सेड अर्लियर, के सब सपोर्ट करें एंड या दैट्स हाउ इट इज. सी ऑल ऑफ द लेडीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सो ऑफ कोर्स द एंपावरमेंट फॉर देम, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ वुमन एंपावरमेंट, आपने किस तरह से? जी, ये जो शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत लूजली आजकल थ्रो किया जाता है.
जिससे पूछो वो यही कहते हैं कि हाँ वी आर वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. लेकिन क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? एक महिला घर में जाके अगर इमोशनल अब्यूज सफर कर रही है, इट नीड नॉट डोमेस्टिक वायलेंस इज अ नो नो, लेकिन इमोशनल अब्यूज ही होता है. जैसे ऑफिस कोई जाती है महिला, तो कई बार उसके कॉलीग्स जो होते हैं वो बोल रही है उसके ऊपर आवाज चढ़ा के बात करते हैं, तो वो चुप हो जाती है क्योंकि वो अपब्रिंगिंग है. इसको माइक्रोएग्रेशन कहा जा सकता है. तो बाउंड्रीज होती है कि उसे नो कहना डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनको भी महिलाओं को अवेयर कराना, इसे विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है. और मेरा ये मानना नहीं है कि नहीं आप झगड़ा करो फाइट करो, लेकिन अपने आप पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंट रहो. क्योंकि ये शो रिसर्च बताता है कि महिलाएं और जो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स है, तो इफ दे आर इक्वली एजुकेटेड तो एक आदमी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसे पे ज्यादा मिलता है. एंड आई एम नॉट हियर टू से के विद फेमिनिस्ट हूँ और ये सब नहीं मैं कहना चाहती. नो, नॉट एट ऑल. मेन एंड वेमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ये मेरा मानना है, यही वेमेन एम्पावरमेंट, यही मेरा मानना है. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू इनकलकेट, यही मुझे महिलाओं को बताना है. क्योंकि जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करते, कई महिलाओं को तो पता भी नहीं होता है. अरे हाँ, मैं तो मुझे बोलना था लेकिन somebody else spoke over me, थोड़ा आवाज बढ़ा के, तो I kept quiet, मुझे बताना. अब चीजें बदल गई है. आज की जो जनरेशन है शादी के बाद भी बहुत ग्रो कर रही है. जो चेंजेस देखती है आप किस तरह से देखती है, क्या मानती है, आपके विचार क्या है? तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे शादी करके मॉडलिंग करना है, तब तो सब लोग हंसे थे मेरे ऊपर. यही कहा था कि शादी के बाद तो ग्लैमर फिल्म में कोई जगह नहीं होती है. एक तो तुम शादी मत बताओ किसी को कि तुम शादीशुदा हो, चुप रहो. और यही कहो कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ. तो मैंने बोला मैं क्यों छुपाऊँ ये चीज, अगर आई एम प्राउड ऑफ बीइंग मैरिड तो व्हाई शुड आई. और ये कहाँ लिखा है कि शादी होने के बाद ग्लैमर फिल्म में क्या हम ग्लैमरस नहीं दिख पाते हैं? दिखते हैं. जैसे मुझे जब लोग कहते थे ओ यू डोंट लुक लाइक मदर ऑफ वन, तो मैं ये कहती थी कि कैसे दिखनी चाहिए मदर ऑफ वन? क्यों हम ये टिपिकल डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि एक महिला शादीशुदा हो तो उसका ग्लैमर खत्म हो जाता है या वो स्टेज पे या ब्यूटी पार्लर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती. हाँ, एक रिग्रेट जरूर है कि मैंने जैसे समन सेड हुई है कि पहले शुरू करना चाहिए था ब्यूटी पार्लर, थोड़ा लेट हो गया, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर. जब मैं एज अ जज जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि वो महिला अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है. क्योंकि अब तक तो ये एक्सपीरियंस हो गया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, तो अगर ये रट के आई है, जो मतलब दिल से नहीं बोल रही, ऐसे मालूम है कि बाय हार्ट करके आई, वो पता चल जाता है, तो वो नहीं करना है. और वही मैं सिखाती हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि हम सिखाएंगे Q&A कैसे करते हैं स्टेज पे जाके, क्योंकि डर लगता है. पब्लिक स्पीकिंग तो बिगेस्ट फियर है वर्ल्ड की, तो महिलाओं में भी पार्टिसिपेंट्स में भी तो वही होती है, तो वो तो हमको उसको ओवरकम करना ही है. लेकिन ऑथेंटिक तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, उसे आप अच्छे तरीके से यू पुट फॉर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. इसके अलावा ऑफकोर्स ग्रेस, डिग्निटी, द वे शी इज, क्योंकि मैं मोस्टली इंटरैक्ट करती हूँ, तो आई डोंट जस्ट डोंट गो टू सी द शो, मैं उनको मिलती हूँ जाके, तो पता चलता है थोड़े उनके पर्सनालिटी के बारे में. तो दैट इज समथिंग दैट आई सी. सो द ओवरऑल कॉन्फिडेंस, प्लेजेंट एटीट्यूड और Q&A, ये सब चीज है. सबका कल्चर अलग अलग है, सब अपनी लैंग्वेज अलग लेके आए थे. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को इंग्लिश भी नहीं आती थी, और चाइना में था तो चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती है, तो
मेरी साइन लैंग्वेज आ गई मुझे थोड़ी पहले से, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि आई एम वेजिटेरियन और मेरे को सात्विक खाना वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा खाने पीने में जरूर दिक्कत हो रही थी। बट उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। डिफरेंस मैं यही बोलूंगी क्योंकि इट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो थोड़ा वास्ट था एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज मैग्निफाइड लाइक अ मार्वेलस एक्चुअली मैंने ये पैशन किया ही मैम के मारे, सो सॉफ्ट आदिति गोविंदकर यहाँ से जब इन्वाइट आया फॉर पार्टिसिपेशन, आई एक्चुअली हैड अ वीडियो कॉल विद हर एंड आई वाज लाइक दिस इज इट, यू नो लॉट ऑफ पैशन्स हैपनिंग, इट हैज टू बी अ पैशन व्हिच इज ऑथेंटिक, व्हिच इज रियल एंड व्हिच इज एक्चुअली अ ट्रू मीनिंग ऑफ ब्यूटी इनसाइड आउट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर आदिति इज पोर्ट्रेइंग इन ऑल आवर पैशन्स। सो एज अ फर्स्ट रनर अप एक्चुअली द मोमेंट द क्राउनिंग was done by Dr. Aditi Govindkar. It was like once in a lifetime experience. It's like a dream come true. So this is the most memorable part of my whole life. The difficulties as such fortunately tha, because Dr. Aditi and the entire MMI team made it so easy for us. I would like to thank the entire MMI team along with Dr. Aditi because they have been there with us, like Honey and all the social media, everybody, like they were there with us throughout supporting us at every stage. So it was very easy. The contestants, like we were competing with ourselves, not with the contestants, you know, so they were all like family to us. So I think it was a very memorable experience. Every participant, every contestant should experience once in a lifetime a dream come true. I wanted to know that back then when you won Mrs. World and now that this MMI, are you sure there's a huge difference in the kind of conduct throughout the years in the past 23 years now? So especially owing to the booming social media sector, back then I'm sure there was not a lot of pressure because all the participants were under a certain scrutiny, but now because of the social media pressure, certain way you conduct yourself, the makeup, the way you talk, the grace you carry, how difficult or easy is it for you as a founder to prove your new things? Well, that's an interesting question. I wish there was social media at that time. I think I would have been a lot more popular. But see, social media is a double-edged sword, right? It's the way you use it. It can be negative and it can be positive. So we use social media to spread this message of, you know, that of beauty inside out, really. And don't go with what is seen purely on social media. We have a social media queen here who loves social media and we are like trying to control her, okay, don't post your scenes and don't post your visit to the doctor, etc. But yeah, I mean, we use it to spread awareness. And I really wish it was there when I participated in this as well. इनको पूछिए आप ये बताएंगे। वेल मेरा पहला क्वेश्चन अदिति को यही था, आई एम जस्ट अ होल रिकॉर्ड, डॉक्टर अदिति ने वो जस्ट वर्ड ही रिजेक्ट कर दिया एंड शी सेड यू आर अ स्ट्रॉन्ग होम मेकर, होम मेकर जो कर सकते हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है। 24/7 वी आर बिजी एंड विद दैट बिजी स्केड्यूल I wanted to remove a time for my practice, for my session, for my workout, and beautifully I have handled it. Definitely my family is the biggest friend, my kids, my husband, they are the biggest supporter for me, but definitely team MMI, team MMI which is just support me, for me kabhi nahi bhul sakti. Thank you, Dr. Aditi. Thank you. Thank you. Yeah, Aditi, you are first of all, congratulations. I would like to compliment आप इतने साल पहले जैसे दिखते तो आज भी बहुत बड़ा है। जब आपने जब changes recently और इस काम को पहले जाते हो, it was like कि पहले ऐसा था कि you need to have a certain height
जी मेरा यही मानना है कि जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी इनसाइड आउट ये बहुत जरूरी चीज है, मैं रिपीट करते रहूंगी इस बात को, क्योंकि एक महिला अगर 5 feet है या 4 feet 8 inches है तो क्या वो ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उसकी क्या गलती है? अगर वो ब्यूटीफुल है तो शी इज ब्यूटीफुल, 70-year-old, और मेरा यही, मुझे बहुत महिलाएं पूछती है कि मैम आपका अपर लिमिट क्या है, आई सिर्फ क्यों अपर लिमिट रखना चाहिए ब्यूटी को, वाई कांट द 80-year-old पार्टिसिपेट इन ब्यूटी पैजेंट? एंड द थिंग इज कि हम ये नहीं कहते कि 80-year-old विल उनका कंपटीशन एक 22 साल की या 23 साल की महिला के साथ होगा, जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने आप से कंपटीशन होगा, और वही हम देखते हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज़ आई स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्गली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब आप एनरोल करती हैं और आपकी जो जर्नी हमारे साथ शुरू होती है एंड तक आप कैसे बदलाव आपने लाया है अपने आप में, जरूर मैं हानी हमारी जो टीम मेंबर है स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर है, देयर आर अदर पीपल आल्सो, तो ये डाइट तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो खाने का क्या यूज है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम ब्यूटी कहते हैं, कि अपने आप को एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, तो ये बहुत जरूरी चीज है. मैं अभी फोकस मिसेस पे ही रखूंगी, क्योंकि मिस के लिए तो ठीक है, आई मीन देयर आर अदर पैशंस ऑफ कोर्स मिसेस के लिए भी है, लेकिन आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर मिसेस कैटेगरी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फैमिली लाइफ में बच्चों की देखभाल करने में बहुत टाइम निकल जाता है, एक महिला अपने आप को भूल जाती है, और जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने यही देखा था कि अगर घर में कुछ अच्छी चीज आती है, मिठाई आती है, तो माँ हम लोग को देखा थी, खुद नहीं खाती थी, तो मिठाई नहीं खाती थी वो अच्छी बात है, शी स्टार्ट्स टू वेरी हेल्दी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपने आप को सेल्फ केयर जो होती है वो भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, किसी की वाइफ किसी की माँ, हु आर यू, और ये जब एहसास होता है देन इट्स टू लेट, तो बहुत को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो इन सब से कि आई चैलेंज के थिंक अबाउट हु यू आर, रोज अगर 10 मिनट भी आप सोचो कि थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप वही चीजें कर रहे हो जो आपके पति बोल रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं, आपकी वॉइस आप खो चुके हो, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जाके झगड़ा करो, बट व्हेन यू डू दैट यू विल अर्न रिस्पेक्ट. Your children will respect you. Your self care, you mean to say? Self care, yes. Inshallah, of course we will. I plan to. I want to make it into a global entity for sure. But abhi to shuruaat hai. Abhi baby steps ho rahe hain. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.